विम्मी को लेकर कुछ बातें कही जाती है, जैसे उनकी लाश को शमशान तक ठेले के सहारे लाया गया। वो बहुत शराबी थी, उनके पास बहुत सारे पैसे थे पर बाद में वो बर्बाद हो गई। आखिरी दिनों में उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया, किसी ने उन्हें देह व्यापार भी भेज दिया। पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब उनका देहांत हुआ तब उनका बेटा कहाँ था। फिल्म जगत की कहानी जितनी सरल दिखती है उतनी होती नहीं। कहानी में अगर रोमांचक घटनाएं ना हो तो कहानी कुछ अधूरी सी लगती है। और बॉलीवुड का सत्य कहानियों से गहरा नाता पुराने जमाने से है, पर वो कहानी किस हद तक सच है इसमें इंसान दिलचस्पी लेता ही नहीं। ऐसी ही एक कहानी थी जिसकी नायिका विम्मी है। स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज पर। मैं अनामिका सुनाऊंगी असली कहानी फेमस अदाकारा विम्मी की। ये बात तो सब जानते हैं कि बीआर चोपड़ा साहब की फिल्म हमराज से विम्मी रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। और साथ ही सबको ये भी पता है कि हमराज के बाद उनकी कोई भी फिल्म चली नहीं। हमराज 1967 में रिलीज हुई थी, तब उनकी उम्र सिर्फ 24 साल की थी। और 1977 में देहांत के समय उनकी उम्र 34 साल की थी। पर साल 1967 से 1977 तक विम्मी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से उन पर ये समय आया था? कुछ लोग कहते हैं कि वो मानसिक तौर पर बीमार थी, पर ये कैसे संभव है? मुंबई के मशहूर सोफिया कॉलेज से उन्होंने मानस शास्त्र की पढ़ाई की थी। प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर रवि जी ने एक पार्टी के दौरान विम्मी को देखा था। तब रवि जी ने विम्मी की पहचान बीआर चोपड़ा साहब से करवाई। चोपड़ा साहब विम्मी की खूबसूरती से प्रभावित हुए और उन्हें अपनी आगामी फिल्म हमराज में उन्हें लीड एक्ट्रेस के रूप में कास्ट कर लिया। पर हमराज हिट होने के बाद चोपड़ा साहब ने उन्हें फिर से कास्ट क्यों नहीं किया? एक इंटरव्यू में चोपड़ा साहब बताते हैं कि विम्मी होशियार समझदार थी और किसी भी चीज को जल्द गति से सीख लेती थी। पर सवाल ये भी है कि क्यों चोपड़ा साहब ने उन्हें आने वाली किसी भी फिल्म में कास्ट नहीं किया। कुछ महीने पहले हमने विम्मी की बायोग्राफी रिलीज की थी, तब एक दर्शक ने कमेंट में लिखा था कि बेशक विम्मी बहुत खूबसूरत थी, पर अगर एक्टिंग की बात आती है तो हमराज फिल्म में सिर्फ सुनील दत्त, राजकुमार और बीआर चोपड़ा के वजह से हिट हुई थी। और इस फिल्म में विम्मी को बस बेजान खूबसूरत गुड़िया की तरह रखा गया था। ये बात कितनी सही है ये आप तय कर लीजिए, पर हमें लगता है कि अगर बीआर चोपड़ा साहब चाहते तो विम्मी को इस भयानक दलदल से निकाल लेते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। विम्मी के एक परिजन कहते हैं कि 1971 तक विम्मी की तस्वीरें मैगजीन पर छपती थी, पर उसके बाद फिल्म जगत ने विम्मी को अचानक से भुला दिया। इसकी ये भी वजह हो सकती है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री उन लोगों को ऊपर लाती है जिनमें जज्बा हो, जिनमें एक तरह की भूख हो। पर विम्मी की कहानी कुछ अलग है। वो खुद बताती थी कि उन्होंने पैसों के लिए फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं की थी। उनके पास बंगला, गाड़ियां, गहने सब कुछ था। यहाँ तक कि कोलकाता में विम्मी टेक्सटाइल नाम की फैक्ट्री भी थी, पर पति शिव अग्रवाल से नाता टूटने के बाद वो बर्बाद होती गई। बैंक के किश्तों में उनकी सारी शोहरत चली गई, जो फैक्ट्री थी वो भी बंद हो गई। ये सब घटना 1971 के बाद की है। आप ये कह सकते हैं कि फिल्मों की असफलता और व्यापार में घाटा, इन दो चीजों का सामना उन्होंने एक साथ किया। और पति से अलग होना, शराब में डूब जाना, इन चीजों को तो पीछे पीछे आना ही था। विम्मी को लेकर एक बात कही जाती है कि पैसों के लिए उन्हें देह व्यापार भी करना पड़ा, पर कहानी कुछ अलग है। शिव अग्रवाल से रिश्ता टूटने के बाद विम्मी एक अजनबी के साथ रहने लगी, और उस समय वो अलग अलग होटेल्स में भी रुकती थी। शायद इन बातों को लोगों ने देह व्यापार से जोड़ लिया था। 22 अगस्त 1977 में देहांत के वक्त कोई भी परिजन उनके साथ नहीं था, और लावारिस के रूप में वो दुनिया से रुखसत हो गई। ये बात एकदम सही थी।
क्योंकि शिव अग्रवाल से शादी करने के बाद सभी रिश्तेदार उनसे नाराज हो गए थे। इस घटना के बाद परिजनों से उनका कोई संबंध रहा ही नहीं था। कहा जाता है कि सुनील दत्त साहब उनके अंतिम क्रिया में शामिल हुए थे, पर ये बात भी झूठ है। उस समय विम्मी के पास कोई भी अपना या पराया नहीं था, और इस कहानी से ये अफवाह फैली कि विम्मी के लाश को शमशान तक ठेले पर लाया गया था, पर इस घटना की पुष्टि किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं की है। पर जाते जाते एक सवाल ये भी उठता है कि उस वक्त विम्मी का बेटा क्या कर रहा था। बता दूं कि विम्मी के बेटे का नाम रजनीश अग्रवाल है। 1961 में उनका जन्म हुआ था। तब विम्मी की उम्र बस 18 साल की थी। माँ के देहांत के समय रजनीश 16 साल का था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाला एक सन्यासी जिसका नाम रजनीश स्वामी है, वो खुद को विम्मी और शिव अग्रवाल का बेटा बताता है। उसके देश विदेश में ओजोन नाम से कई सारे आश्रम भी हैं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।